उसी समय जो कि आज डिप्रेशन है बहुत सारी किस्म सारी सोसाइटी की लोग मिल गया है और वे मुख्तलिफ गाने हैं मुख्तलिफ शक्ल हैं उनके तो सपोर्ट की है तो सपोर्ट और किस तरह जो कि असल में जो कि डिप्रेशन है इलाज हो सकता है तो गल करेंगे डॉक्टर कुशमार साहब मैं तारीफ बहुत सारी तारीफ दावत देना डॉक्टर कुशमार साहब तो इतने बैठने सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ख़वातीन व हज़रात मैं पंजाबी ची गल करांगा मैं भूल जाने असी अक्सर लोग एक्चुअली गल्लां दा खट्टा ही खा रहे हैं असी हुण तक ज़ाहिर है कॉलेज हफ्ते दो तीन वारी तालिब इलमां नाल जिहड़ा है मुखातब होना पैंदा है पता ही है तुहानूं लेकिन ये एक शायद पहली बारी है वैसे और मुख्तलिफ तकरीबात विच वी असी मुख्तलिफ किताबां ते मुशायरां दे विच गुफ्तगू भी जारी रहिंदी माइक नाल भी वास्ता रहिंदा लेकिन ये एक अजीब जम अज एक मौका है कि एक खास मौजू ते बोलण दा मौका दिता है। मैं सब तो पहले बहुत शुक्रगुजार हाँ फिलाक का फिलाक इंतजामिया का खास तौर पर डॉक्टर सुगरा सदफ खाकान हैदर गाजी आसम साहब और उन्होंने सारी टीम कि उन्होंने मैं एक मौका दिता है और मैं समझना वा कि हूँ तक मैं जितना सफ़र किया है बहुत पहले एक बार एक सवाल होया सी असी नवे नवे लाहौर आए थे कि तुसी शायरी क्यों शुरू की। मैं क्या जनाब शायरी जिहड़ी है इस वास्ते शुरू की है कि अपनी आवाज़ की शनाख्त वास्ते की है जिस वेले आवाज़ की शनाख्त हो जाएगी फिर मैं कोई असल गल करांगा गल उदों मैं करांगा तो लिहाजा शायद आज वो मौका आया है कि मैं जिस कम वास्ते मैं हर आदमी के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी सिम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उन्हों पता चल जाता है कि वह दुनिया से क्यों आया है और उन्हें की करना है उदा विजदान या उदी तबा जिहड़ी है उस्ताद तबा उहदे कोलों की कम उन्हें लेना चाहिए। तो मैं समझना वा कि मैं मेरा बचपन दे विच ही एक ताल्लुक बाबियां नाल सूफियां नाल और इन्हां बजुर्गां दे नाल ताल्लुक रहा है तो उन्हां कोलों उन्हां चटाइयां ते बैठ के जो कुछ सीखिया है यानी अज मैं जिन्नियां गल्लां करांगा इहदे च मेरी कोई गल नहीं होएगी मैं तो उन्हां दी गल नूं अगे ट्रांसफर कर रहे हैं तुहानू कि यार मैं ये समझना वा तुसी ये समझते हो या नहीं गल सिर्फ इन्नी है कि बंदा दुनिया ते क्यों आंदा है वो कित्थों आंदा है कित्थे चला जांदा है ते फलसफे दे सवाल आते हैं। ते अज दा मौजू जिहड़ा है वो डिप्रेशन जिस तरह तुसी कहिंदे हो कि अज दा इंसान जिहड़ा है 21वीं सदी दा इंसान कर्ब दा शिकार है डिप्रैस है परेशानियां बहुत हैं बड़ी भज नस है हुण लोगों को सानू अपनी खुशियां भी छुपानियां पैंदियां कोई खुश नहीं कोई दूसरे ते राजी नहीं। इहदी मिसाल मैं इस तरह देना कि एक आदमी ने अचानक इन्नी तरक्की की थी कि उहदा डिफेंस बहुत वड्डा फार्म हाउस बन गया तो वह रहिंदा चुबुरजी रहिंदा सी किधरे शाम नगर
तो उदा वो मिलिया उन्हों उदा हमसाया कि यार बड़ा पुराना दोस्त कि तू यार ये किस तरह ये काया पलटी और तू इन्ना कुछ हासिल कर लिया। उन्हें कहा यार तू मेरा यार है, मैं तेनों दस दिना वा एक रावी के किनारे चला जा, एक खास मकाम है उत्थे तू पानी दे विच खड़े होके इन्ने दिन चिल्ला कटना है। और फिर एक उतों आवाज़ आती है, एक मछली है पहले जाहिर होती फिर उस तू आवाज़ आती है, वो फिर उन्होंने जो कही है ना तो उस वेले हो जाता है अखा बंद करो। तो मैं इंज किया तो तू मेरा यार है तो मैं चाहना कि तेरा भी इस तरह का हो जाए। उन्हें भी वही सारे काम किए, चिल्ला कटिया और जिसलिए वो वक्त आया तो उन्हें कहा जनाब मैनू नहीं चाहिए, वह मेरा जो यार ना वह टाया जाए सब कुछ। यानी फितरतन तौर पर बंदा जड़ा है वह दूजे को खुश नहीं वेख सकता। यानी वो साढ़े खास तौर पर पंजाब दे विच जिहड़ी एक लैग पुलिंग की एक आदत है, असी दूसरे नूं एवें खा मखा साडा कोई तल्लुक ना भी होवे असी उन्हूं तरक्की करदे हसते और अगे वधदे वेख नहीं सकते। ये साडी फितरत च किधरे साडा कोई तल्लुक नहीं होएगा, असी बैठे बैठे कह देंगे यार इन्हें गड्डी लै ली, कल तो इतने सैकल पर फिर रहे सी, यार इन्हूं ये तरक्की ये किस तरह हो सकता है। साढ़े अंदर एक हसद ये चीज़ा पैदा हो जाए, एक्चुअली ये सारिया बीमारियां जिस वे पैदा हो जाए तो असं फिर उस डिप्रैशन का शिकार हो जाने। मुख्तलिफ मैं थोड़े जे हिंट्स लिखे सी रात को अपनी गुफ्तगू में, मैं क्या कि असं इस वे गुफ्तगू करने हैं तो इधर उधर निकल जाने हैं, तो वो रहने वास्ते मैं कुछ हिंट्स लिख ले सी ताकि मैं इधर उधर ना भटकाँ तो एक खास टाइम जोड़ा है वो गुफ्तगू। हुण तो हुण जिहड़ी परेशानी है या डिप्रैशन है या साडी जितनी भी ये चीज़ां एक यानी पहले सानू मैं तुहानू दसांगा कि डिप्रैशन होंदा की है थोड़ी देर वो तुसीं सानू तुहाडे सारयां नूं पता है कि देख मैं कोई आलम फाजल नहीं हाँ ना मैं कोई मोटिवेशनल जिस तरह अजकल लैक्चर होंदे ने या जिहड़े लैक्चर देण वाले बड़ी खुंबियां की तरह इन्हां दे इजाफा हो रहा और हर आदमी इस तरह के विचार जोड़ा वो दसता लोगों को कि जी इंज करो जी इंज करो जी पॉजिटिव हो जाओ। एक्चुअली गल तो ठीक है वो, लेकिन जिसल मैं उन्होंने जिंदगी उत्ते नज़र पाना वा मैं जोड़े बड़े साहिब किताब लोगों के बड़े उन्होंने किताबं बड़िया विकरियां तसव्वुफ ते मैं उन्होंने नेड़े जिसले जाना उन्होंने जिंदगी देखना कि बैरोक्रेट आखिरी उम्र मोटिवेशनल जोड़ा वो स्पीकर बन जाते हैं और उन्होंने दुआव भी कर रहे हैं और ये वो एक एक साहब ऐसे हैं कि उन्होंने उन्होंने बारे सारे काफ़ी बड़े उन्होंने मनते हैं तो उन्होंने एक कमजोरी है कि जी उन्होंने कमजोरी मर्सिडीज़ है। डॉक्टर साहब समझ गए पिछले दिन एक मीटिंग होया तो उन्होंने कहा जी नहीं देखो दुनियादारी भी नाल उन्होंने खर्चा बड़ा है तो वो तो बड़े कंसल्टेंट हैं तो वो बड़ा कमाते हैं तो वो खर्च करते हैं। देखो दुनिया जी है ना जी ये अगर कोई चंगी शह होंगी ना तो जिदे वास्ते सारी कायनात तखलीक की गई वो अपना काम अपने हाथ में कभी ना करते। अगर ये कोई बहुत अच्छी चीज़ होंगी तो जिन्हों शेरे खुदा कहा गया उन टुकड़े भगो के पानी दे विच ना खाते उन्होंने हर चीज़ मुजस्सर जो मालिक से कायनात के ऐसे ऐसी हस्तियाँ से यह मतलब है कि एक बुजुर्ग ने कहा कि दुनिया फालूदे की सफेद सवइयों की तरह है, यानी उस खोया शोया ना पाया जाए तो वो तुसी खा नहीं सकते बेजायका होते। ये देखने बड़ी खूबसूरत है ना, दुनिया तो कोई जाना चाहता है जिन्ना मर्जी उन्होंने जिंदगी वो कहेगा यार थोड़ा जा और वक्त मिल जाए, लेकिन दुनिया के मन ही समझ आ जाने अशिया के मन ही समझ आ जाना असी इसलिए बीमार हो जाने फिर असी चीज़ों तो परहेज शुरू करने हैं। यार डॉक्टर ने मना किया चौल नहीं खाने गोश्त नहीं खाना यह चीज़ नहीं खानी, उस तो पहले मैं कहता रहा अपने भाइयों को कि यार तू हाले पराठा खाई जा रहा, वो कहना यार छड़ तू सानू भी नहीं खाने का तू तो पता नहीं खाना या नहीं असी खावे जो देसी घी खा रहे सुबह उठ के दो मतलब दही खा रहे तिक्के खा रहे। और मेरे अपने प्रोफेसर ऐसे ऐसी मेरे तो उम्र तो ज्यादा वो अन्ने वाह मतलब खाई जा रहे भी और होंगे साढ़े जे लोग जो कहते मैं पिछले दिन बीमार होया तो मैं अल्लाह ताला नाल एक शिकवा जो किया शिकवा भी तो बड़े अपनाइत का एक हज़ार है। मैं क्या मौला मैं सारी उम्र परहेजगारी की गुजारी तो जे मैं बीमार करना ही तो लोग तो मैं ताने दे दे मार छड़नगे मेरे रिश्तेदार अजीजो करब कि लो जी सारी उम्र तुसी भा जी परहेज करते रहे तो हुण तुसी आप इस तकलीफ आ गए हो तो फिर साढ़े तुहाड़े च की फर्क होया।
है, वो एक अलग मौजू अगे आएगा। मैं तो मैं कहना चाहना कि अज्ज की जिहड़ी गुफ्तगू है कि मैं कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर ना समझा जाए, मैं एक, एक मामूली जिहा प्रोफेसर जिस तरह हुंदा है शायर अदीब उस तरह, कोई दावा नहीं किसी इल्म दा फजल दा, या बस करम है, एक माँ की दुआ है या बाबियां दी जुतियां दे सदके जो कुछ कहांगा वो शायद तुहानू पसंद आ जाएगा, तो बड़ी अच्छी गल है। जी कोई वो थोड़ी बहुत कुत्ता ही रह जाएगी तो वो माजरत करांगा। मैं तुहानू दस रहा सी कि डिप्रेशन असल च हुंदा की, डिप्रेशन की तारीफ अगर और किताबां च जिहड़ियां लिखी है या मुख्तलिफ जगह ते, कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी बज़ाहिर ते उहदी नज़र नहीं आती, लेकिन तुसी चंगे पल्ले जिंदगी गुजारदे गुजारदे मुख्तलिफ जिहड़े तुहाडी इंट्रस्ट दीआं चीज़ां ने उहनां तों तुसी दूर हो जांदे हो, तुहानू इंट्रस्ट खत्म हो जांदा है, तुसी मायूस हो जांदे हो, तुसी परेशान रहण लग पैंदे हो, अपने आप नूं कमज़ोर समझ लग पैंदे हो, दूसरे नूं कहिंदे हो यार देखो, एक बेमानी जी जिंदगी तुहानूं लगण लग पैंदी है। और इहदी वजूहात ने कई, अच्छा इहदे च कई इहदे शेड्स ने कि डिप्रेशन किन्नी किस्म दा हो सकता है। हुण मतलब बाज़ वालदैन उहनां नूं औलाद दे मामलात चों गुस्ताख है औलाद, वो डिप्रेशन, वो डिप्रैस हो गए कि यार औलाद गल ही नहीं मनदी, तो उहदा जवाब भी है कि वह औलाद क्यों नहीं मनदी उहनां दी गल, इहदा जवाब मेरे कोल है। औलाद लंगड़ी लूली क्यों पैदा होंदी, इहदा जवाब मेरे कोल है। यानी वो तुसी सवाल करोगे तो इंशाल्लाह फिर भी गल होगी, तो बस अपने वो दिलचस्पी खत्म हो जाए जिंदगी चों, खुशी कोई चंगी ना लगे, तन्हाई का शिकार हो जाए आदमी, वो वजूहात जिवें मैं दस्या कि कोई औलाद के दुख हो, किसी नौकरी नहीं मिली वो डिप्रैस हो गया, किसी को दूसरा दोस्त जिहड़ा अगे निकल गया। हुण साढ़े कोल सब तो वड्डी बीमारी ये जिहड़ी है ना सोशल मीडिया, इन्हें सानू बीमार कर दिता। इस वक्त असी जवाल दे अरूज ते खड़े हैं। तुसी देखो कि एक बैडरूम दे विच तुसी झांक के देखो कि माँ बैठी है, प्यो बैठा है, औलाद बैठी है, छोटा जिहा बच्चा भी है, हर वो बैठे कट्ठे ने, टीवी भी लगे है, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल ते। इंसान अंदरों कला होंदा जा रहा है, यानी असी सारा दिन जिहदे नाल गुजारने हैं घर जाके भी उहदे नाल ही चैटिंग कर रहे होंदे हैं, या असी कमेंट्स तो लड़ रहे हैं कि यार मैनू तू देख के गुजर गए। यानी एक अजीब चीज है जी, सारे फ्रेंडशिप होंगी है फेसबुक फ्रेंडशिप या और, ये सब फजूलियात। असल दुख तो वह सी कि यानी साढ़े पिंड एक दफा मौलाना बीमार हो गए, तो किसी ने नमाजी कट्ठे होंगे सी, तो उन्होंने कहा यार पता करो मौलवी साहब अज आए नहीं, तो गुरबत जमाने से असी बुनियादी तौर पर पेंडू हाँ, तो वह पता चलिया कि जी वो दो तीन दिन तो बुखार मुबतला, तो वह उन्हां दे घर ना दाने ना आटा है ना कोई। अच्छा वो कल्चर सी साड़ा जिहड़ा पिंड दा ना, वो इतना खूबसूरत सी कि किसी दे घर जाना है आदत वास्ते कोई चूचा लैके जा रहा छोटा जा, कुकड़ी कोई मुर्गा, अच्छा किसी ने गुड़ चुक लिया जनाब, किसी ने जनाब 2 किलो दुध पाया बाटी बाबे उन्हां दी आदत वास्ते चला गया, कोई कुछ नहीं तो उन्हें कहा यार दाने पा दे अपनी बीवी ने, क्यों जा रहा मैं उत्थे आदत वास्ते, कोई शकर ले आ रहा। शादी ब्याहां तों लैके आदत तक साडा एक कल्चर सी, वो पता चलिया कि वो चंगा भला खुराक उत्थे हो गई, कोई अंडे लै गया जनाब 5-6 देसी घर दी मुर्गियां सी, कोई इस तरह की चीज़, कोई देसी घी लै गया, कोई मक्खन लै गया, वो मौलाना ने चंद दिन खैर सैट हो गए जनाब उन्हें तबीयत सैट हो गई। गल सिर्फ इन्नी है कि वो जुड़त खत्म हो गई, वो जिहड़ा असी एक मुआश असी हुण बहुत कट्ठे बैठ के भी अंदरों कल्ले हाँ, असी सानू सोशल मीडिया ने या जिहड़ी साडी डिवाइस जिहड़ी साडे हाथ दित्ती है। मैं बड़ा हैरान होना, मैं एक यूनिवर्सिटी पढ़ाना तो मैनू पता है कि मैं बाहर निकलना तो देखना कि कोई बच्चा कल्ला नहीं अव्वल ते बैठे है, नाल कोई उहदे एक अद कोई दोस्त उहदे कुड़ी है या मुंडा वो बैठे, जी वो कल्ला बैठा है तो उहदे कोल मोबाइल है, यानी वो कल्ला है ही नहीं। एक तो वैसे इंसान कल्ला तो कभी भी नहीं होंदा, आलम तमाम हल्का है दामे ख्याल है कैसी ने, तो इंसान एक ख्याल का मजमू है जिहदे अंदर हवा घूम रही है वो ख्याल। अच्छा सब तो वड्डी गल एक बड़ी दिलचस्प है कि ख्याल की है, ख्याल नाल जिंदगी ते ख्याल नाल मौत है, जोगी जी अलवी दा मिसरा मैनूं याद है एक दफा उन्होंने पढ़िया सी, ख्याल नाल जिंदगी है। अगर तुसीं अपना ख्याल अच्छा कर लो और भुल जाओ कि यार कौन की होएगा, कल की होएगा, परसों की होएगा, लम्हा है मौजूद जिस चो तुसी गुजर रहे हो, इस वेले जिहड़े मेरे सामने बैठे हो, तुसी इस लम्हे नूं इंजॉय करना सीख लो,
कि यार ये जिनी गल गौर सुनी जाएगी या जिन्ना असी जो जिस काम में भी तुसी हो ते उहदे च तुसी इंजॉय करना जिसले सीख लोगे तो तुहानूं भुल जाएगी, दुख भुल जाएंगे। देखो होनी हो के रहिंदी, जिस तरह मौत एक अटल है, आनी आनी सब नूं पता मरना, लेकिन असी उस वास्ते तैयार नहीं हाँ। वो यार इन्नी जल्दी की हालत, बड़ा अरसा पाया मैं दो तीन उम्रें कर लाँगा, चार हज कर लाँगा, गुनाह भी तो अन्ने वाह जिंदगी भजना से जैसी गुजारी जा रहे हैं और पता ही नहीं चलता एक मौत का फरिश्ता आ जाता है वो सानू तरूक के उस गड्डी सिट लै चुके, असी उस तैयारी कभी भी नहीं की, सानू चुक के पा देंगे। लेकिन बंदा तो वह है जिन्हों अपनी खबर हो जाए तो हर वेले तैयार रहे, छोटी जी पांड है छोटा जहा बैग गले गड्डी आवे खुद छलांग मार के वह बह जाए, वो वास्ते तैयार नहीं होते। मौत ते नींद जिहड़ियां ने दो कहिंदे ने भैणां, हर रोज़ सानू इस गुजरना पैंदा, हर रोज़ तुसी जिस वेले अगे जा के मैं इस चीज़ गल करांगा, फिलहाल मैं तुहानू दस रहा सी कि डिप्रेशन हुंदा, मतलब इहदी कई इकसाम, तालिब इलम इस वास्ते परेशान हन कि जी उहने नंबर ज़्यादा लै लैन। अच्छा इहदे नाल खुदकुशी दा रुझान बढ़दा जा रहा, जिस तरह तलाकां दा रुझान ज़्यादा हो रहा और इहदी रेशो वधदी जा रही है, खुदकुशी वास्ते भी लोग हुण देखदे ने जिस वेले, क्योंकि तली उत्ते दुनिया आ गई है साड़ी, असी किसी नूं चंगा खांदे पींदे क्योंकि ऐसे साढ़े ड्रामे देखो, साडा कल्चर सारे हर चीज़ मौसीकी देख लो, हर चीज़ जवाल दी तरफ जा रही है। यानी पहले गाना एक फिल्म च आंदा सी, वो हिट होंदा सी, उहदी मौसीकी उहदे बोल वो याद हो जांदे सी, हुण जिहड़ी मौसीकी है तुसीं कोई मैनूं सुणा नहीं सकदे कि इहदा मुखड़ा आया ते अंतर आया, इतना लंबा वो जनाब वो हरे हरकत चो पॉप सिंगिंग, इस तरीके नाल तुसीं लिबास तो लैके मतलब कि हर चीज़ दे विच ऐसी तब्दीली आई। मैं बच्चों नूं पूछे, मैं कह यार ये दाग तो अच्छे होते हैं, ये कैसे अच्छे होते हैं, दाग तो बुरे होंदे ने, साड़ी मशहूरी साड़ी एडवरटाइजमेंट देखो दाग तो अच्छे होते हैं, वही कैसे अच्छे होते हैं, दाग को तो बचना चाहिए, बंदा तो ऐसी जिंदगी गुजारे साफ सुथरी कि उन्हें कोई ओए ना करे, लेकिन असी सारे लोग एक अजीब चीज़ की गुजारी जा रहे हैं, तो वो खुद इतमाद कमी आ जाती है, फिर आदमी जनाब कला हो जाता है, कोई नशे च लग जाता है, कोई होर कई मामला इस तरह की जिंदगी भटक जाता है बंदा, तो वह तनाव आते आते हो जाता। मेरा एक दोस्त है, मैं पिछले दिन बड़े अरसे बाद फोन आया, मैं यार उन्हें दसिया कि यार मैंने तो बाहर निकलते डर लगता है, मैं खौफजदा रहना, हूँ जिस वे असी थोड़ी इतलाह वास्ते आ रहे कि जिस वे बंदा 40 तो उत्ते टपद ना 50 के नेड़े टच करता है तो उसकी नींद कम होती जा हो लग जाती, नींद और भुख ये दो चीज़ा कहते ये दो ओ वे यानी इम्तहान एक ऐसा मरल है जिन्होंने इस काबू कर लिया, भुख और नींद वो मरद है, क्योंकि भूख जी है वो साढ़े अंदर वो साड़ी अंदर बेदारी पैदा करती है, जिमें कहते ना भुखा बटेरा बड़ा लड़ता, वो भुख साड़ी सलाहीता बेदार करती है और असी वो साड़ी साड़ी हर चीज़ जी रोशन हो जाती, जिस वे असी कुछ खाने तो असी उस वे गुरुदी का शिकार हो जाने, सानू नींद आ लग जाती, तो जिंदगी इस तरह साढ़े तुम रमज़ान वेख लो साढ़े खर्चे बढ़ जाने, साढ़े वजन बढ़ जाने। मैं पूछा एक दफा बल्कि अपने घर भी कुछ दोस्तों में, मैं यार तुम हर रोज़ इन्ना बेसन अद्धा किलो डेढ़ किलो साढ़े घर इस्तेमाल होता है, आम दिन असं इन्ना बेसन नहीं इस्तेमाल करते, तुम क्यों इन्ना करते हो, कि जी वो बड़ा अच्छा लगता सारा दिन रोज़ा होंदा, मैं क्या अच्छा कहना मैं अगर रोज़ा रख लवा तो मेरे को तो पानी तो अलावा होर कुछ किया ही नहीं जाता, तो तुम इन बिरयानी भी पकाते हो, मैं मौला ना खास तौर पर एक दिन में छेड़िया, मैं कहीं मौला तुम किस तरह खा लेंगे हो, तो तुम फ्रूट चाट भी खा रहे हो और जनाब दही पल्ले भी खा रहे हो और बिरयानियाँ भी पक्या जनाब कि सुबह कुछ मिलना नहीं, और रोज़ा दुनिया एक रोज़ा है और हम रोज़े से हैं, दुनिया का रोज़ा वो जवान किसी ने कहा जी ये रमज़ान है असं यह काम नहीं करते, यानी कि झूठ नहीं बोलते, फला नहीं करते, फला नहीं करते, उन्हें कहा तो सारा साल ही करने तुम सिर्फ रमज़ान करते हो, यानी जिंदगी इस तरह की गुजारनी चाहिए कि बंदे सारी उम्र तो रोज़ा रखना चाहिए, तुम घट खाना शुरू कर दो रोज़े की तरह, सुबह घट खाओ शाम को घट खाओ, यानी जिंदा रहने वास्ते तुम खाओ सिर्फ खाने वास्ते जिंदा रहने, असी असल ज़्यादातर जिंदा रह रहे हैं सिर्फ खाने वास्ते रह रहे हैं, असी कहने शायद मिलने ही नहीं कुछ जिदी वजह साढ़े असाब। अच्छा फिर सानू अशिया का इलम नहीं है कि खाना की है, पहले मालिक को अशिया का इलम मंगया जाए कि खाना की चाहिए, देखो ना वो मुख्तलिफ फल अल्लाह दी बड़ी नेमत फब आल आए रबे कुमार तो तुम कि नेमत रुशाओ, लेकिन नेमत के मानी भी तो वो हर हर नेमत हर आदमी वास्ते तो नहीं सूटेबल,
कि तू खाई जाए हूँ केला जोड़ा वह कहते वास्ते जो दानी हो गए या नरम इस तरह की इस तरह हर फल हर गोश्त अच्छा ये आदाब न खाण दे कि फल किस टाइम खाना चाहिए अच्छा दुध किस वेले पीना चाहिए दुध एक खास उम्र तक लोग मावा छुड़ा दें दुध असी सारी उम्र दुध पीते रहने जनाब जिदे अंदर चिकनाई चली जाती साढ़े अंदर सिस्टम सारा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है अगर तुम अपना बातिन ते तवज्जो देना शुरू कर दो और ये सारा कुछ सूफीज़म आता है अगर तुम बातिन आरास्ता कर लो और बातिन अच्छा कर लो और अपने दिल की बीमारियों पर काबू पा लो दिल की बीमारी की है हसद कीना बुगज गुस्सा हिरस अवस ये सारिया चीज़ा जी लालच लालच जी है ये सारा कुछ साढ़े दिल खराब करती है जिदी वजह सारा सॉफ्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमान है कि बल्कि कुरान दे विच है शायद कि आप कुरान दी आयत है कि तुहाडे सीने दे विच या हजूर दी बहरहाल मैं सही तरह याद नहीं लेकिन गल बड़ी ठीक है ऑथेंटिक है कि तुहाडे सीने दे विच जिहड़ा गोश्त थलो थलाई यानी दिल है अगर ये ठीक है तो तुहाडा पूरा तन बदन ठीक है अगर ये खराब हो गया तो साडा दिल ठीक नहीं रहा हुण तुसीं कहोगे जी दिल दिल दुनिया दे विच दिल तो वड्डा दोस्त कोई नहीं ये हर वेले सानू दसदा रहिंदा है अच्छी बुरी गल असी इस ते तवज्जो नहीं दिंदे मिसाल देंगा तुहानू दिल ने तुसी उठे हो तुसी मोटरसाइकिल चुके है कि मैं दोस्त नूं मिलन जा रहा मैं मुमताज़ साहब नूं मिलन जा रहा उस वक्त एक सरगोशी हुई अंदर कि वह तो कर ही नहीं है असी उन्हों अनसुनी करके चल कोई नहीं असी मोटरसाइकिल असी जाके बैल दी है अंदरों मुमताज़ साहब के छोटे कि वो पाए जान तो कर ही नहीं उस वेले फिर उन्हें दोहराया कि मैं क्या सी ना करना ही असी दिल की कैफियात नाल अपनी जिंदगी नहीं गुजारते सानू हमेशा दस्या जाता है दिल साडा दसदा सानू असी गए हैं और किसी जगह पर गड्डी गए हैं तो गड्डी बाहर कढ़ी है तो सरगोशी आई दिल की कि यार अज तेरा टायर जोड़ा है भ्रष्ट हो जाएगा असी दिल की अनसुनी करके निकले हैं रस्ते च उही उन्हें कहा मैं तो तैनू कहा सी उस वेले जितलांदा दिल जिस वेले तुसी दिल दीयां गल्लां या सरगोशियां या कैफियात भुल जाते हो या उहदी अनसुनी कर देंदे फिर वह ऐसा उहदी आवाज़ दब 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 के बहुत थले चली जाती फिर तुहाडी रहबरी करना खत्म कर देता है दिल एक ऐसा आला है कि वह बेहतरीन तुहाडा दोस्त है और कल्ब अल मोमिन अर्श अल्लाह ताला है कहिंदे ना कि मोमिन का कल्ब जो है वह अल्लाह ताला दा अर्श है तो वह उसनों तुसी अगर तुसी सॉफ्ट कर लो उन्होंने नरम कर लो और वो जिहड़े हसद कीना बुग असी तो किसी नूं खुश वेख ही नहीं सकते असी अगर इन्हें बीमारियों तो अपने दिल नूं ठीक कर लीए ये बाबे साढ़े कहने अपने आप नूं ठीक कर लीए और अशिया दा मैनूं एक बच्चा मिलिया कहिंदा जी तुहाडियां सारियां गल्लां ठीक हन लेकिन मैं कोई मुरशद नहीं मिल रहा मैं क्या देख भाई गल है कि तू इरादा रख तू सिर्फ इरादा रख के मालिक मैनू तेरा नहीं पता तू कित्थे है कौन है मैनू अपने बारे च भी नहीं पता तू सिर्फ इरादा रख तो रात को 2:30 बजे तो बाद उठ के ते बैठ जा बस चल तू नमाज भी ना पढ़ सिर्फ उठ के बैठ जा जिस वेले सारी कायनात सुती होंदी है जिस वेले खामोशी छाई हुई होंदी है जिस वेले तुसी अपनियां धड़कनां दी सरगोशियां खुद सुन रहे होंदे हो सिर्फ धड़कन दी आवाज़ हो रही और अगर तुसी धड़कन दी आवाज़ ते गौर करो ना ते उहदे विचों जिहड़ा लफ्ज़ निकल रहा होंदा है वह अल्लाह निकल रहा होंदा है और आदम दम से है आदम दम से है हम दम लेकर दुनिया में आए हैं असी उमरां लेकर नहीं आए कि 50 साल 100 साल असी दम लेकर तो जिहनूं दमा हो जाए वह तो जल्दी चला जाएगा ना वह दम लैके आया तो वो तो दम आदम जिहड़ा है आदम की तारीफ ये है कि आदम नूं वो ऐसा दिल दिता गया कि उहदी पछाण जिस वेले हो जाती अपने आप में जिस तरह कहा गया साढ़े सूफी लोग कहने के मन अरफा नफसा फका दा अरफा रब्बहू जिसने अपने नफ्स को पछाण लिया उन्हें अपने रब न असी बड़ी सुनी बचपन सानू 8वीं 9वीं तो टीचर दसन लगे सानू पता ही नहीं चलिया नफ्स क्या है जी पछाण लिया तो वह मैं बच्चा कवे मैं क्या यार तू जागया कर तो जाग के बैठ जाया कर कायनात जिस वे सुती हो उस वे तुरी धड़कन जी है ना वो तुम दसेगी वह जिक्र करेगी जिक्र फिक्र आदमी होंगे उस वे
ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੱਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖੱਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੜੋ, ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਦ, ਗਮ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਅਤਾ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਗਮ ਆ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਅਚਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਦਰਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾ ਯਾਰ ਜਾਗ। ਦਰਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੈਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਿਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਇਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਡਸ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 12-1 ਵਜੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਏਦਾਰ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਛਰੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਤੂਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀ, ਘੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਲੂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੈਂਜੀ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਸਈਆਂ ਰਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜਸੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਰਿਆ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸੱਵਫ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਘੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਈ ਗਿਰੇ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਫ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵਫ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਸੱਵਫ ਤਸੱਵਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ, ਕਾਇਨਾਤ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਸੱਵਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਫਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਟੁਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਸੱਵਫ ਦੇ ਚਾਰੀ। ਤਸੱਵਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਗੁਦੜੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਖੋਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ਾਤ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੀ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਔਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਦਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਵੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਖਫੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਊਂ, ਸੋ ਮੈਨੇ ਖਲਕਤ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਦਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਕ ਆਦਮ ਆਲਾ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਰੂਪ ਹਨ, ਬਲਬ ਲਾਈਟ, ਪੱਖਾ, ਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਉਲੂਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਝੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੀਮੂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਸੇ ਖੇਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਸਤੇ ਉਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਨੇ ਖਾਈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗ ਕਿੰਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵ ਲਿਖਿਆ, LOV, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸੀਕੀ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਮੌਸੀਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲੇ ਹੋਣ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਲਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਜ਼ੀ ਰੂਹ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੈ। 85% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
यानी जिन्ना पानी कायनात च है इन्ना ही पानी साढ़े अंदर भी है। अगर पानी सुनता है तो साड़ी गल कौन सुनता है, मेरी मैं जी गल बोल रहा यह कौन सुन रहा है, मैं जिस दुआ करना वा जे मैं लफ्ज़ भी नहीं अदा करता तो वह मेरे कौन सुनता है, वह पानी सुनता है, यानी पानी तो मुराद ब्लड की शक्ल है। तो अगर तुसी इस सारे सिस्टम नू अपने आप ते गौर करी जो तो तुहानू जनाब अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ां दित्तियां ना, अख है, कन है, नक है, ये एक ऐसी आलात दिते ना। अगर हुण देखो जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है, हुण लोग कह रहे जी साइकिल ते चले जाइए, ये अगर तुहाडे कन्नां दा बिल आन लग जांदा कि जी नहीं वो कार्ड पवाओ तो वरना सुनना बंद हो जाएगा, अख दा भी मुआवजा लै पै जांदा तुहानू, हाँ जी, होर भी जिहड़ी चीज़ां साढ़े आजान जिहड़े अल्लाह ताला ने कितना मुफ्त दित्ता तुहानू पता होना चाहिए कि जिस तरह डिप्रेशन दे नाल जिहड़ा साढ़ा है कहने कि सारे लोग डिप्रेशन दे विच आ, और तकरीबन कहिंदे ने कि 10 to 15 lakh हर साल तकरीबन लोग डिप्रेशन नाल मरदे ने, इन्नी इस तो बल्कि ज़्यादा लोगों नू ऐसियां बीमारियां देन कि जिहड़े अख छपक नहीं सकते बेचारे, और दुनिया के मुतमवल तरीन लोग इस बीमारी का शिकार हैं, और उन्होंने एक ऐसे जजीरे पर भेजा जाता जिथे वे तो वे लोग जा सकन, उस जजीरे पर जाके वह की करते हैं कि फितरत के करीब उन्होंने रख्या जाता है, यानी फितरत की है जी असी जिन्हों जिस तू असी इनकारी हाँ, वो यार मेरे को गड्डी नहीं, असी तो खेतों सोईद यार छत सोईद, मच्छर लड़ते हैं, पानी थले सोईद, पानी भी इंजा पीने देसी खुराक, वो सारे काम उत्थे जनाब वो सिस्टम एक जजीरा ऐसा बना जिसे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े जोड़े लोग जोड़े जोड़े बड़ा मुआवजा है। ये मैं एक जवाहर चौधरी के कालम के मालूमत एक दफा पढ़िया सी, उत्थे वो जाके वो कर देन ताकि उनकी वो इलाज होंदा है। इस तरीके नाल तुहाडा बैराम जिहड़ा आवारी है ये बेचारा सुबह उठ नहीं सकता, यानी ये बारे मैं मालूमत जी मिली कि इन उठाने वास्ते सुबह 4-5 मुलाजम जोड़े इन सैट करते हैं सुबह, और हर वे वेंटीलेटर के जहाज ही मौजूद है, हर चीज़ की बंदे नाल डॉक्टर। तो हज़रत अली का फरमान है कि अगर बंदा बीमार तुहाड़ी जितनी बीमारियां तुहाड़ियां जिन्नियां बीमारियां इहदा इलाज भी तुहाड़े अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। अगर ऐसा होंदा तो आदब दे नाल एक डॉक्टर भी नाल भेजा जाता कि नहीं यार इन्हें बीमार होना ही तो ये नाल चला जाए, तो दुनिया के आदमी अपना इलाज खुद करता है। जिस तरह कुत्ता बीमार होता है तो अपना रोटी नहीं खाता, वो मिट्टी च पूर दिंदा तुहाडे कोल लै जाएगा, दूर जाके जमीन च दब दिंदा कि ठीक होगा, देखा तो फिर खुद की करता है। बीमार कुत्ते दी तुसी तजर्बे करो, वो घा खाता है, बूटियां खाता है, वो मैं कि यार ये कुत्ता क्यों काई खाई जा रहा है, वो मैंने दादा जी ने दसिया कि इहदी कोई मेदे च गड़बड़ है, ये रोटी नहीं खा रहा तो ये हुण कोई इलाज कर रहा। यानी इंसान तो इलावा बाकी जिन्हें जानवर उन्हां दी सिस्टम ऐसा बनया उन्होंने अंदर बीमार होने का ठीक होने का, उन्होंने एक रवायत है जी, उन्हां दी आवाज़ां ऐसियां खतरे तो गा करन लई आवाज़ बोल है, वो कुत्ते दी भौंकण दी आवाज़ च फर्क होएगा, अजनबी आ जाएगा, यानी हर चीज़ सिर्फ इंसान एक ऐसा है कि खाधे तो खाँदा रहता है। इनू जिन्ना मर्जी तुम रस्ते खिला दो जनाब, फ्रूट चाट खिला दो, फिला कर जाकर रोटी भी जरूर मंगेगा की पकाया रहे, पसंद की चीज़ तो फिर भी खाएगा। तो सब तो पहले तो इंसान को अपना वो इल्म जड़ा है वो उस पर देखना चाहिए कि मैं क्यों ये असूल अन्य खा लिया। हूँ यूरोप दे विच तुसी सुबह उठते हो, अगर नाश्ता कर लिया तो फिर वो बस हो गया जी नाश्ता, वो फिर ये नहीं कि हूँ मैं घर जाके नाश्ता कराँगा, दोपहर जिते हो गई उतों ही कोई मछली लै ली वो खा ली, उन्हों का लंच हो गया, फिर रात दप करेंगे। साड़ी तरह असी तो जनाब घरों भी जाके खाने, रस्ते च भी खाने, और फ्रूट ड्राई फ्रूट ये तो असी खाण की चीज़ समझते नहीं ना, या बिस्कुट चाह ये असी सारा दिन खाते रहने, जिदी वजह सारा सिस्टम अंदर दखल असी सो गए अंदर। जिहड़ा असी ब्रैलर खाने हूँ ये कुछ लोग मेरे को नाराज़ भी होंगे कि जी ये गोश्त के खिलाफ आदमी, हूँ जो ब्रैलर असी खाने साड़ी मामा सुबह सानू नाश्ता करा के दें, मैं अपने स्टूडेंट नाल अमूमन मुखातब होना कि यार तुहानू माँ पिछे पिछे नस्ती पुत्र थोड़ा जा खा ला, थोड़ा जा पराठा पका के, नहीं नहीं मैं जल्दी च वो नस के जनाब साड़ी कंटीना ते आके सुबह फिर 12-1 बजे उन्हें भुख लगी बिरयानी, वो देखिएगा यार लेग पीस तो डाल नहीं, लेग मैं कि ये वो लेग हैं बेटे जिन पर वो जो मुर्गा खड़ा नहीं हो सकता। तुसी कोई ब्रैलर की दुकान पर चले जाओ, वो पिंजरे जिन्हें भी वो
ਉੱਕੜ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੋ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੇ ਪਵਾਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਿਸਾਲਾ ਫਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲੇ ਹਟਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਬੂਟੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਚਾਵਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕਾ ਚਾਹ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਟਨਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਐਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਜਰਮਨ, ਉਹਨੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਤਬੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਲੋਕ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੀ 35 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਯਸੀਨ ਪੜ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ, ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਸ ਦੀ ਜੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਮ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਾਬ ਥਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਜੋ ਸੁਣਾ ਅਫਸਾਨਾ, ਵਾਏ ਨਾਦਾਨੀ, ਦਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨਾਦਾਨੀ, ਬੇਵਕੂਫੀ, ਹਮਾਕਤ, ਕਿ ਵਕਤ ਮਰਗ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੁਆ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਖਾਬ ਥਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਜੋ ਸੁਣਾ ਅਫਸਾਨਾ ਥਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਰਸੜੀ ਪਾਉਂ ਮੇ ਕਹਿ ਸੋਵੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ, ਸਵਾਸ ਨਗਾਰਾ ਕੂਚ ਬਾਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਕਬੀਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡੂਬ ਕਰ ਪਾ ਜਾ ਸੁਰਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬਣ, ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਬਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਟੋਪੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
एक जिस तरह रेडियो की नहीं होंगी एक छां छां की आवाज़ पैली तो फिर एक स्टेशन जहाँ लग गया वह उन्होंने आवाज़ा आन लग गई जोड़ा सामने बंदा सोच रहे थे वो आवाज़ा आन लग गई वह बाबे को कह रहे थे कि हूँ मैं अंदर नहीं तेरे को आना इस वेरी तू मेरा काम नहीं ना किया मैं बाबे को दूजे वाल निगाह मारी वह भी कुछ कह रहे थे उन्हें अपने एक दोस्त वाल निगाह मारी वो तो ख्याल किया बारे गुफ्तगू बीवी नाल कर रहे तो उन्हें कहा जी वो तो बाबा ने कहा मेरी टोपी क्यों रख ली कहना जी गलती एक दिन असने कहा ना नहीं देनी नहीं टोपी बड़ी बर्दाश्त करनी पैंती उन्हें कहा जी एक दिन वो इस तरीके कहानी खैर अगो तो फिर असी बुनतकारी होर तरह की की कहने का मकसद है कि बाबियों को मालिक ने ऐसी ऐनक दी होंगी इन्हों लेकिन इतनी बर्दाश्त है कि वह दसते नहीं कि हूँ तेरे नाल की होने वाला या की क्यों अगर ये दस दिन तो फिर वो राज दे विच जिहड़ा उन्होंने वो कहने कि फिर उन्होंने लोग खुदा समझ लग जाएंगे उसकी पूजा होने लग जाएगी लिहाजा वो कहने नहीं यार मालिक ने जिदी बनाई सिस्टम हाँ जिन्हें कुछ लेना है जिसने कुछ पाना है वह अगर तुम सिर्फ मौत को हर वक्त याद रखो कि यह दुनिया एक मुसाफरखाना है ये दुनिया तो सारे ने चले जाना कल किसने वेखी है लिहाजा मैं क्यों परेशान होवां मैं लम्हे मौजूद नूं अपने नूं ठीक कर लवां मैं अपनी खुराक तो कर ला देखो ना सौ तो डॉक्टर भी तुम दस देंगे डिप्रेशन का इलाज ये कोई ऐसी गल नहीं कि जनाब तुसी फ्रूट खाया करो सुबह ठंडे पानी नाल नहाया करो पीण वास्ते गर्म पानी रखो अच्छा जनाब तुसी सैर किया करो ज़्यादा अच्छा फिर सब तो वड्डी गल दसते हो कि डिप्रेशन का सारा तो वड्डा इलाज है कि अपने पुराने दोस्तों नूं मिलो साडे दोस्त खत्म हो गए क्योंकि कोई तरक्की कर गया कोई सॉरी परसनैलिटी कलैश ऐसे बन जाने वे छोटे होंगे यंग से तो सारे शायर इकट्ठे गप्पा शप्पा लाते इकट्ठे भुख नंघ के साथ ही जिसमें व्डे हो जाते हैं कोई उस दार चला गया हूँ साड़ी अनावं बड़िया 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 हो गया तो कहता मैं तो फिर जी उन्होंने समझते ही कुछ नहीं होएगा जी डॉक्टर बन गया पी एच डी हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं उन्होंने किसम फिर अनाह बन जाती ये अनाह खत्म करना है तो जिहड़ा मिले बस उन्होंने जी बिस्मिल्लाह कहना कि यार जिस तरह तू रहा तो बंदा देखो ना जी मैं मेरा अज तक ट्रैफिक तो चलान नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं किधर गलती की है ना तो वो आया इस भाई तो मैं वो को हस के किया जी बिस्मिल्लाह हुज़ूर जो कहते कर लेने लेकिन मैं क्या मैं गुजर जाऊँगा तो इशारा बंद हो गया हस के वह वेखे वो खुश हो कहता सर बिस्मिल्लाह जनाब कोई गल देखो बिस्मिल्लाह का एक ऐसा लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह एक ऐसा गुंबद है बिस्मिल्लाह एक ऐसी छतरी है अगर वो थले बह जाओ तो ये फोन जिसनों करोगे ना ये सुनोगे हैलो जी बिस्मिल्लाह इहदी साउंड्स इफेक्ट जिस तरह मैं दस्सिया ना कि लव लिखण नाल ते आवाज़ दे असरात पौद्यां ते इह दूसरे आदमी दे सुण दे नाल ही अंदर सॉफ्टवेयर बदल जाता जिन्ना मर्जी सफाक होवे तुसीं हस के उहनूं वेख्या उहदा सौदा अंदरों सॉफ्ट हो ते लिहाजा अपनी जिंदगी बदल के वेखो घट खाना शुरू करो गोश्तखोरी कोई इन्नी अच्छी चीज़ नहीं है बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है दूसरों की खुशी च रहना और अपनी इस दुनियादारी रह के बड़ा मुश्किल काम है लेकिन अगर तुम मैंने गलों पर गौर करो कि दुनिया च आए क्यों हो जी कितों आए हो कितने जा रहे हो या क्या तुम मौत को अपनी टाल सकते हो नहीं टाल सकते जिसल होना तो होना है वो वास्ते अज तू ही क्यों परेशान होना शुरू कर जो कल काम होना है वो मैं होने ही परेशान हो यार कल इंज होना कल मैं फेल हो जाऊँगा कल मैं इस इम्तिहान चु रह लम्हा मौजूद राजी रहना सीखो गल सिर्फ इन्नी है कि वो भगत कबीर जी का एक शेर है कि जैसा अन्न जल खाइए अन्न जल अन्न पानी वैस तैसा ही मन होवे जिस तरह का तुम अन्न पानी खाते हो तुहाडा मन यानी दिल ऐसा होंदा है तो जिस तरह का पानी जैसा पानी पीजिए वैसे बाणी जिहड़ी गुफ्तगू बनती है साड़ी ये पानी नाल बनती है जिहड़े साडे हवास न असी तो पांच हवासों नूं जाणने एक छठी इस तों भी असी समझने एक छठी इस भी है लेकिन 11,000 हवास की गुशाखा जिन्ना गौर करे जोगे तुहानूं पता लगता चला जाएगा तो हवास दे अगों फिर कई सूरतां नूं तो तुसी अगर अपने खाण पीण ते सैट कंट्रोल कर लो रिज़्क़े हलाल दा तसव्वुर भी इहदे विच है ये नहीं कि अन्ने वक्त घट खाणा शुरू तो चलो यार थोड़ा जिहा खा लैने नो मैं मौलवी नाल छेड़खानी की बचपन की गल है मैं कह जी तुसी रोज़ जिहड़ा रोज़ा रखते हो शाम तक फिर खोलते तो सिर्फ सिर्फ खाण का खोलते हो कान दा तुसी कहिंदे रोज़ा हुंदा है वो किंज खोलते हो अच्छा वो छेड़खानी सी उहदे नाल बाद च फिर बड़ी शर्मिंदगी हो कि यार नहीं सी छेड़ना चाहिए वो मौलवी साहब वो कहिंदे फिर वो गालां कढ़दे सी सानूं कि तुसी मैं कह जी फिर गालां भी कढ़िया करो शाम नूं ज़ुबान दा रोज़ा भी खोलो कन्नां दा भी खोलो लत्तां दा भी खोलो एवें खाम खा ये कोई
कोई है तो नहीं, कोई नजरिया तो नहीं, कोई ऐसी गल तो नहीं, लेकिन गल ये कि घट बोलना, घट सुनना, घट खाना, घट सोना, ये बुनियादी तौर पर अगर इंसान अपने आप पर गौर करे, इस लागू कर ले और दुनिया से परेशान होना छड़ दे कि यार जो होएगा वो तो होना ही होना। जिहड़े लोग राजी पर रजा हो जाता ना, तस्लीम रजा का जो फलसफा, उन्होंने फिर दुख कोई नहीं होंगे, मुश्किलें मुझ पर पड़ी थी, वो फिर जनाब फिर बंदे तैयार होकर उत्तों आते हैं और फिर उस तरीके फिर उन्होंने हवा जहाँ उड़ा ले जाए। तो इस वास्ते छड़ दो अपने आप में, जिवें तुसी आसाब बिल्कुल अपने आप में नहीं करके बगैर बगैर टेबलेट तो थोड़ा सर दर्द ठीक हो सकता है, तुसी सिर्फ अपने अपने जिहड़े आसाब ने इन्हों ढिला छड़ के ऐ बिल्कुल शांत हो जाओ कि कुछ भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल काम है, घट खाना भी जमी मुश्किल है, जमें दूसरी की खुशियां तो अपनी, क्योंकि दुनियादारी है, बच्चे सानू नहीं जीन देते। लिहाजा जनाब ये छोटिया छोटिया गल्लां सी जिहड़ियां मैं कीतियां, मेरे ख्याल कुछ मैं ज़्यादा कर गया। तो कोई गल मैं तो कोई तसव्वुफ दा एडा माहिर तो नहीं कि मैं तुहाडी हर हर दी, लेकिन मैं एक गल तुहानू सब तो पहली गल पहले बंदा बनना चाहिए। असीं कहिंदे नहीं बंदा बनो ओए ठीक हो जा, बंदा बनने वास्ते सारियां गल्लां मैं अज कीतियां, खाना पीना ये पहले बंदा बन, बंदे वास्ते बंदगी है, बंदगी जिसले करदे हो तो बंदे वास्ते, इंसान तो सारे बंदे तो बाद फिर जिसले वली वली दोस्त नूं कहिंदे वली, फिर कुतुब, फिर अबदाल, फिर गौस आखरी होती है, जिवें शरीयत है, फिर तरीकत है, फिर हकीकत है, फिर मारफत है। ये मुख्तलिफ कैटेगरियां मुख्तलिफ दर्जे तसव्वुफ दे, ये भी इस तरह जिवें दुनिया दे विच कोई कॉन्स्टेबल भर्ती हुंदा है, कोई लैफ्टीनेंट भर्ती हुंदा है, लैफ्टीनेंट जिहड़ा आई जी तक जनरल तक चला जाता है, तो जो सिपाही भर्ती होते हैं वो डी एस पी तो बाद रिटायर हो जाए, इन दी भी कैटेगरी। वो मैंने एक बंदा मिलया, वो कहने लगा तुहानू पता इस वेले लाहौर च किहदी हुकूमत, पंजाब च किहदी हुकूमत है। मैं कहा जी नहीं, कहिंदा एक मोची की हुकूमत है। मैं कहा यार मोची की हुकूमत, तो बुजदार बैठा उत्ते ते, आखे आखे नहीं ये मालिक तो सारे खेडन, उत्ते बाइडन बैठा होवे, उत्ते कोई जो मर्जी बैठा हो, बंदे है तो बंदा ना जी। देखो जी बंद खून का रंग भी एक है, भुख लगती सारे की कैफियात एक जैसी, पानी भी वह भी यही पीते हैं, कैफियात सब दी इंसान है तो इंसान ना, तो ये जी सू मिलते नहीं या सू जी पैदा साढ़े को ऑप्शन तो कोई नहीं कि मैं पाकिस्तान। देखो ना मैंने एक बंदा कहता जी मैं अमरीका का सदर, बाबा जी मैं अमरीका का सदर बन जा, मैं क्या अमरीका का सदर बनने से पहले उत्तर पैदा होना पेगा, तेरे को ऑप्शन ही नहीं है ना, उत्थे जमेगा उत्थे मतलब अपने बंदे नूं करनगे, जिवें यूदीन ऑप्शन के तौर पर नहीं वो अख्तियार कर सकते। तो लिहाजा वो साढ़े को अपने माँ बाप की भी ऑप्शन नहीं कि अपनी पसंद की माँ बाप लै ली, माँ गरीबनी जी मस्कीन जी बे वालद जैसा भी है साढ़ा वालद है, और वालद तो वाद या माँ और बाप दुनिया के दो एक ऐसे रिश्ते ने, इन्हों तो वाद कोई साढ़ा रिश्ता सच्चा नहीं है। भैन भरा भी इसलिए अपनी अपने औलाद हो जाती, फिर उन्होंने एक सिस्टम, तो ये वाकई ये टर्मनोलॉजी है तसव्वुफ दियाँ, गौस दे थले जिहड़े होंदे ने कुतुब चार ही हमेशा हर वक्त उन्होंने एग्जिस्ट करना पैंदा, चार कोने जिस तरह चार कोने, हाँ तसव्वुफ ते डिप्रेशन दसी मैं वही कहना, मैं तो जी मेरे को बड़े टॉपिक्स हैं इस टॉपिक जी बेटे, कोई मुख्तसर जा सवाल तक वो रही, क्योंकि बहुत नहीं नहीं मैं मैं मुख्तसर आई एम सॉरी कि जनाब मैं वक्त ज़्यादा ले लिया। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਇਹ
जी जी सही हाँ जी बच्चे और कोई गल जी बेटे जी बेटे बस वो तुम दसा ना कि जमें भी तरक्की असं करते साड़ी जिंद रैतल साड़ी जिंदगी दे रहन सहन बदलता गया असी दौलत हिर सबस उस लालच पै के साड़ा सब कुछ बदल गया जमें दुनिया एक ग्लोबल विलेज अख्तियार करके तुहाड़ी तली ते आ गया सारा कुछ तो असं देखने तो उस तो बाद तो नहीं रह सकते असं भी चाहते उस तरह का तो वजह बुनियादी यही है जी बिस्मिल्लाह जबान टुरदी फिरदी सूफियन जी हाँ